वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शानू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज का वीडियो टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है। सो इट्स अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग एंड मूविंग व्लॉग। ये पहले भी एक व्लॉग आपसे शेयर किया है जिसमें मैं पुणे से गोवा शिफ्ट हुई थी, वो भी आप देखना। आधे से ज्यादा हमारा सामान जो है वो चला गया, एक तो इस टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है और उसके बाद हम इस टाइम पे शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी इतना ज्यादा हेडेक बना हुआ है सारी चीजें, क्योंकि खुद से करनी पड़ रही है। पैकर्स एंड मूवर्स से हम लोगों ने सोचा कि नहीं रहने ही देते हैं, खुद से ही सारा पैक किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और पैक करे, फिर मैं एक एक सामान सैनिटाइज करूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता। दूर हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हार्डली 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही शिफ्ट हो रहे हैं और इसलिए सारी चीजें खुद से ही करना ज्यादा सही लगा। सो गाइस, फ्लैट शिफ्ट करने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये घर अपना दिखा देती हूँ। फाइनली हम इसे छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी हम जब जहाँ रहने लगते हैं हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है, हम वहाँ के माहौल में थोड़े ढल जाते हैं। तो इस फ्लैट में रहने की अभी मेरी आदत हो चुकी है। फ्लैट काफी बड़ा है, इतने बड़े फ्लैट में हम लोग अब नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। फिर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े फर्नीचर लेना नहीं चाहते थे क्योंकि हम यहाँ गोवा में हमेशा के लिए तो आए नहीं है। यहाँ से अब हमें वापस कहीं ना कहीं शिफ्ट होना होगा, जहाँ फाइनली अब रहने का सोचेंगे, उसके बाद कहीं शिफ्ट होने का नहीं सोचेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब ये सोचा था कि कोई बड़े फर्नीचर नहीं लेंगे, कैरी करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, शिफ्टिंग के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ जब हम आए थे तो यहाँ पे ये जो पीछे सोफा है ये मुझे इस फ्लैट में मिला था, ओनर का है। ये डाइनिंग टेबल वगैरह भी ओनर का ही था। गोवा से जब शिफ्ट होंगे फाइनल वाला तो फिर सोचेंगे कि कुछ फर्नीचर्स लेने का, बड़े फर्नीचर्स लेने का। अभी लेने का कोई मतलब नहीं बनता, फर्नीचर डैमेज होने का भी रिस्क रहता है। इसलिए मैंने सोचा है कि ज्यादा बड़े फर्नीचर नहीं रखेंगे, काम भर के ही फर्नीचर हमारे पास है। फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी आपको मैं फ्लैट दिखाती हूँ, मैंने पूरी साफ सफाई की है। मेरी हालत देख रहे हो आप लोग कितनी गंदी हो गई है, कितनी ज्यादा गंदी मैं दिख रही हूँ। अभी यहाँ से जाके वहां पे शिफ्ट करेंगे, सामान पूरा अनपैक करेंगे, उसको सेट करेंगे, उसके बाद वहां पे भी सफाई करनी रहेगी मुझे। वैसे वो फ्लैट मुझे साफ सुथरा मिला था, ये फ्लैट भी जब हम आए थे तो साफ सुथरा ही मिला था, इसलिए हमने सोचा कि इसको साफ करके ही देंगे। किसी को बाहर से बुला के सफाई करवाना मुझे रिस्की लग रहा था इस टाइम पे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से ही करूंगी। तो चलिए आपको एक फाइनल लुक दिखा देते हैं इस फ्लैट का और उसके बाद हम अब जाने वाले दूसरे फ्लैट में, वहां पे भी मैं दिखाऊंगी सामान शिफ्ट करने के बाद कि मेरा वो फ्लैट कैसा है। ये किचन है, अभी ये सारे सामान मुझे लेके जाने हैं अपने साथ। मैंने पूजा वाला रूम बनाया था, अब यहाँ से फिर मैंने साफ ऑफ कर दिया। यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखी थी, ये मैंने यहाँ पे पूजा का बनाया था भगवान जी के लिए। ये डाइनिंग एरिया था, ये सारे सामान अभी हमारे साथ जाएंगे। ये 2-2 लीटर की बॉटल भी मैं जबरदस्ती लेके जा रही हूँ, ये तो बोल रहा था फेंक दो, बट मैंने कुछ DIY का सोचा इसलिए मैं लेके जा रही हूँ इसको साथ में ही, क्योंकि इसके लिए फिर वापस से कौन कोल्ड ड्रिंक पिएगा इतना। ये गेस्ट रूम था, उसके बाद ये हमारा बेडरूम था। मस्त वेदर है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। अच्छा हुआ हम लोगों ने सारा सामान अपना शिफ्ट कर लिया था, जितने हैवी सामान थे उसके नेक्स्ट डे से यहाँ पे बारिश चालू हो गई है। अपनी लाइफ में मैंने शायद ही इतनी ज्यादा सफाई की होगी, मुझे लगता है इतनी सफाई मैंने कभी की नहीं है अकेले, वो भी पूरे फ्लैट की। मतलब ये भी करवा रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले किया, मैं कभी करती भी नहीं। अकेले मुझे करना होता तो मैं कत्ते ही नहीं करती, उल्टा और बैठ जाती। तो ये भी साथ में लगा हुआ था बट फिर भी मैंने ज्यादा किया है सो गाइस, तो यही मेरा ये फ्लैट था, इसको हम छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, बाहर बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है, ये देखो। सो गाइस, इस फ्लैट का लुक मैंने आपको दिखा दिया है और उसके बाद अब मैं जहाँ जा रही हूँ, जहाँ पे शिफ्ट हो रही हूँ, उसका भी लुक मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। फाइनल गुड बाय टू दिस फ्लैट। शिफ्टिंग इन अ न्यू अपार्टमेंट और देख सकते हो आप इतना सारा सामान है और लॉकडाउन में हम शिफ्ट हो रहे हैं। यू कैन सी कितना मेरा काम अभी बढ़ गया है, अनपैक करना है, उसके बाद सेट करना है, पूरा मेस हुआ पड़ा है। तो अभी मेरा काफी मतलब एक हफ्ते तो लगभग जाएंगे ही जाएंगे पूरा अच्छे से सेट होने में। काम की चीजें पहले सेट करेंगे, उसके बाद जैसे किचन हो गया उसको तो पहले करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर बेडरूम हो गया, बेड वगैरह अभी हम लोगों को जुड़वाना है। न्यू गेस्ट भी मेरे फेस पे आ गया है, पिंपल
लॉकडाउन में हमें शिफ्ट होना पड़ा, तो जो यहाँ पे आते ही सब ऐसे देख रहे थे जैसे एलियंस आ गए हो। मतलब लॉकडाउन में वैसे जनरली जल्दी कोई शिफ्ट कहाँ हो रहा होगा। बस अभी यही कर रही हूँ मैं, और उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ लगभग एक महीने के बाद, क्योंकि जब हम शिफ्ट किए थे वो सारी चीजें सेट वेट करने में बहुत टाइम लग गया था, मैं वीडियो नहीं कंप्लीट कर पा रही थी। उसके अलावा बीच में ये जो सुशांत वाला केस हो गया था उससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह बनाना बंद कर दिया था। मतलब मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उस चीजों में, बहुत ज्यादा उसके बारे में पढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद भी था वो, और इस वजह से बहुत माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ, और बस अब कोई भी वीडियो बनाने में मैं लेट नहीं करने वाली। अब बहुत ज्यादा नॉर्मली रहने लगी हूँ और चीजों को पॉजिटिव वे में अब लेने लगी हूँ। बहुत निगेटिविटी उस समय मेरे माइंड में आ गई थी, तो टाइम तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बट कितने लोगों ने मुझसे अलग से मैसेज करके पूछा, और इवन फोन पे भी पूछा कि क्या हुआ, तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्हों में पर्सनली हम लोग नहीं जानते एक दूसरे को, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही जानते हैं, उन्होंने भी मुझसे जब पूछा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा मुझे मैसेज करके अलग से, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस टाइम आपको ये समझ में आता है कि जो बहुत ज्यादा आपकी केयर करते हैं, जेन्युइनली जो आपसे अटैच्ड हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, जिन्हें फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो आपसे जरूर पूछते हैं। ये चीजें मुझे समझ में आई और बहुत अच्छा भी लगा, और उन लोग के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, और मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, इवन ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं। किन लोगों को मेरी जरूरत है, किनको मेरे वीडियो से मतलब भी रहता है, और इवन कौन से लोग मेरे सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जो नाम भर के क्लोज नहीं है, जो वैसे भी केयर करते हैं, या फिर क्लोज हैं जो आपके बारे में पूछते हैं, इसी बीच आपको पता चलता है। तो आज मैं लगभग एक मंथ के बाद ये वीडियो अपना रीशूट कर रही हूँ और कंप्लीट करना चाह रही हूँ ये वीडियो। थोड़ी सी एंडिंग बची रह गई थी तो इसलिए मैं इसे शूट कर रही हूँ। तो मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ अभी 2 BHK से 1 BHK अपार्टमेंट में। और रीजन मेरा क्या था शिफ्ट होने का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब गोवा शिफ्ट हो रहे थे, हम आए थे यहाँ पे एनिवर्सरी के लिए घूमने, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम गोवा शिफ्ट होंगे। जैसे ही हम वापस पुणे गए तो हमें पता चला कि हमें गोवा शिफ्ट होना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ गोवा आए। गोवा में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, तो 1 BHK जो है फ्लैट्स वो बहुत ज्यादा रेयर केस में आपको मिलते हैं, बहुत कम रहेंगे 1 BHK फ्लैट्स, और या तो रहेंगे तो बहुत पुराने फ्लैट्स रहेंगे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। अभी जिस फ्लैट में मैं हूँ, मतलब ये फ्लैट बहुत अच्छा भी है, बिल्कुल नया अपार्टमेंट है ये, और इवन हम फर्स्ट है यहाँ पे जो रह रहे हैं। हमने काफी फ्लैट्स देखे उस समय, मतलब अनलॉक भी नहीं स्टार्ट हुआ था, हम काफी टाइम से देखने लगे थे, क्योंकि जल्दी गोवा में 1 BHK मिलता नहीं है तो काफी ढूंढना भी पड़ता है। एक हमें फिर से 2 BHK ही मिल रहा था, वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा रेंट में डिफरेंस नहीं था ये 1 BHK और उस 2 BHK में। तो एक बार माइंड में मेरे हुआ कि वापस से 2 BHK में शिफ्ट हो ले गया, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पे, कोई फैमिली मेंबर है नहीं, और तो 2 BHK बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है हमारे लिए, और फिर उसके लिए क्या है, उसको मेंटेन करके रखो, उसमें फिर साफ सफाई और फर्नीचर उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो 2 BHK सही लगता है। और 2 लोगों के लिए 2 BHK मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा आइडिया है। जब मैं गोवा आई थी तो हम लोग जल्दी जल्दी में शिफ्ट हुए थे, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो 2 BHK में ही शिफ्ट हो जाते हैं। वो तो 2 BHK भी नहीं था, वो तो 2 BHK प्लस स्टडी था, उसमें अलग से एक डाइनिंग एरिया आपको दिया हुआ था, सारी चीजें अच्छी थी, बहुत सुंदर वो फ्लैट भी था। और लेकिन एक चीज वहां पे नेगेटिव थी कि सारी विंडोज जो थी वो एक ही डायरेक्शन में ओपन होती थी, इस वजह से बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमिडिटी हो जाती थी, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है जब फ्लैट में, और इस वजह से एक तो वैसे भी गोवा इतना ह्यूमिडिटी वाला प्लेस है, और वहां पे उस फ्लैट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती थी, मतलब ऑल टाइम तो आप AC नहीं चला के रह सकते हो, इसलिए उस फ्लैट में मुझे बस ये चीज नेगेटिव लगा, बाकी और कोई पॉइंट वहां पे नेगेटिव नहीं था। वो बहुत अच्छा फ्लैट था, बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग रहे भी वहां पे। यहाँ पे गोवा में क्या होता है कि हर साल आपको एक फ्लैट में अगर आप रह रहे हो रेंट पे, तो आपको एग्रीमेंट बनवाना होता है, हर साल का अलग अलग एग्रीमेंट बनता है, तो टोटल 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है, 12 मंथ का नहीं होता, 11 मंथ में एग्रीमेंट कम्प्लीट होता है।
तो उस फ्लैट में अगर आप रह रहे हो 11 मंथ के बाद आपको वापस से एग्रीमेंट करवाना होगा और उसके लिए वापस से एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। और अगर आपने एग्रीमेंट करवा लिया तो उसमें रूल रहता है कि 6 महीने तक फिर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको उस फ्लैट में रहना ही पड़ेगा। ये चीजें हैं। तो अगर हम वापस उस फ्लैट में रहते तो 6 महीने के लिए हम वापस फंस जाते हैं और फिर हम फ्लैट नहीं चेंज कर पाते, इसलिए हम इस लॉकडाउन में फ्लैट शिफ्ट करें। और वो सही भी था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ना कोई गेस्ट आ रहा है ना कोई आ रहा है, तो फिर दो लोगों के लिए वो फ्लैट बहुत ज्यादा बड़ा था और फालतू का हम लोग रेंट दे रहे थे क्योंकि जो गेस्ट रूम मैंने गेस्ट के लिए रखा था उसमें कोई गेस्ट आते ही नहीं थे। बहुत टाइम पहले ही इसके 2-3 फ्रेंड्स आए थे, बस वही गेस्ट आए थे हमारे और कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आ रहे थे, ना ही कोई फैमिली मेंबर था कि वो गेस्ट रूम, वो एक तरह से एक स्टोर रूम बना के रखा था, मतलब कार्टून वगैरह वहां पे रख दिया था, तो वो रूम बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहा था। प्लस डाइनिंग एरिया जो था उधर का वो भी खाली ऐसे ही रहता था, वो भी वेस्ट हो रहा था। तो वो फ्लैट बहुत ज्यादा चीजों में हम फालतू का रेंट दे रहे थे, तो ये चीजें थी वहां पे। और प्लस क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती थी, इसलिए वो फ्लैट मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। इससे हमें ये भी समझ में आया कि इन फ्यूचर अगर हम जब भी फ्लैट लेंगे या फिर रेंट पे ही लेंगे या इन फ्यूचर अपना फ्लैट लेंगे तो ये चीज ध्यान में रख के लेंगे, एक ही डायरेक्शन में सारी विंडो ना रहे क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है तो बहुत ज्यादा फ्लैट में ह्यूमिडिटी और गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहने लायक नहीं। फिर उसमें मतलब मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती थी, इतनी ज्यादा हालत डाउन हो गई थी। गोवा में तो आप जानते ही हो कि फेब के बाद से बहुत ज्यादा गर्मी चालू हो जाती है, जब तक मॉनसून नहीं स्टार्ट होता है बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता है। इवन मॉनसून में भी यहाँ पे बारिश होती है पर ह्यूमिडिटी टाइप का होता है। और इस फ्लैट में हर मतलब विंडो की डायरेक्शन जो है कि वो चेंज है, अलग अलग डायरेक्शन में है और बहुत एयरी है फ्लैट है, बहुत ज्यादा अच्छी एयर पास होती है इस फ्लैट में। इवन हमने एसी इंस्टॉल करवाया यहाँ पे बट हमने एसी की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, एक तो यहाँ पे बारिश भी चालू हो गई है और उस वजह से ये फ्लैट बहुत ठंडा रहता है, तो बिल्कुल एसी की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पे एक भी दिन। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी थी इस फ्लैट में और इसी वजह से हमें 1 BHK थोड़ा सही लगा। उस फ्लैट को देख के लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमेंट किए थे, मुझे डीएम किया था अलग से इंस्टा पे रेंट के लिए पूछने के लिए गोवा में, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली, जो जिन्होंने मेरा वीडियो वो देखा था, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में भी कमेंट किया था प्लस इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके भी पूछा था कि गर्ल योर हाउस इज जेम प्लीज टेल द रेंट, इस टाइप के मैसेज आते थे। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में मैं बता देती हूँ आपको गोवा में रेंट क्या होता है फ्लैट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप फ्लैट का रेंट देखोगे तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप प्राइम एरिया में रह रहे हो, मेन एरिया में रह रहे हो जहाँ पे मेन मार्केट है, जहां से चीजें बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हॉस्पिटल मार्केट या फिर स्टेशन एंड ऑल सब कुछ ले लिया जाए तो उस एरिया का ऑब्वियसली थोड़ा सा रेंट ज्यादा होगा उस फ्लैट का। और अगर आप आउटर में रह रहे हो तो थोड़ा सा रेंट कम होगा, यही चीजें होती हैं। तो अगर आप जैसे मेन एरिया में रह रहे हो तो आपका 2 BHK का स्टार्टिंग हो जाता है 14K to 20K के अंडर में आपको मिल जाएगा 2 BHK। 1 BHK भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, बहुत ज्यादा आउटर टाइप में रहोगे तो वो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा आपको, मेन एरिया में रहोगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, यही डिफरेंस होता है। इवन एक फ्लैट था वो इतना ज्यादा पुराना था, एकदम पुराना वो फ्लैट था, लेकिन उस वो फ्लैट जो है वो मेन एरिया में था, इस वजह से उसका रेंट बहुत ज्यादा था। मतलब इतना वो पुराना फ्लैट था उस अकॉर्डिंग उसका रेंट उतना होना नहीं चाहिए था। जब हम लोग गए थे तो इसने उस फ्लैट को देख के बोला ब्रोकर से कि हाँ फ्लैट अच्छा है हम बताएंगे बाद में। मैंने बाद में सोचा कि फ्लैट ही तो नहीं अच्छा है, उसमें मैं क्या रीजन दूंगी फ्लैट नहीं लेने का, क्योंकि ब्रोकर का बार बार मैसेज और फोन आ रहा था कि आपको फ्लैट पसंद आया है तो प्लीज आप ले लो, फिर नहीं तो कोई और ले लेगा, इतना अच्छा वो फ्लैट था नहीं कि हम उसे ले लें। तो ये चीजें थी। बहुत ज्यादा टाइम लगा था हमें 1 BHK ढूंढने में, और 1 BHK है या 2 BHK थोड़ा सा रेंट वेरी करता है इस अकॉर्डिंग। तो बस यही चीजें मुझे बतानी थी आपको और बस अब मैं ये वीडियो अपना कंप्लीट करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि गोवा में रेंट क्या है फ्लैट्स का, तो इस वीडियो के थ्रू मुझे वो क्लियर करना था, बताना था लोगों को। सो गोवा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आप सबसे शेयर करूंगी अभी आगे चल के वीडियोज में अपने। तो अगर आपको गोवा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे अलग से मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।